हाँ सर नमस्कार। यूट्यूब चैनल निवाशय में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि और कई सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि नारियल का पौधा एकदम निरोग होना चाहिए, कैसे पौधे में कोई बीमारी नहीं आएगा। जैसे कि मेरे पास जो पौधा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम निरोग पौधा है, कहीं पर भी पौधे में कोई सा भी रोग नहीं है। देख सकते हैं पौधा पूरा एकदम हरा भरा है, पौधे में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जब लगाए थे पौधा पूरा रिजेक्ट पौधा था, इसलिए डाली वगैरह टूटा था, पत्ती वगैरह तो ये टूटा हुआ है। आप इस साइड से देखेंगे फिर भी पौधे में किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई फंगस ना है, ना ही पत्ते जैसे सिरा का पत्ती सूख रहा है, ना ही सर का जो पत्ता रहता है वो लाल पड़ रहा है। तो कैसे ऐसा पौधा बना सकते हैं पूरा जानकारी देंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम इस पौधे में डालने वाले हैं मंत्रा इंसेक्टिसाइड। इसका सिर्फ एक ही कॉम्पोजिशन है, वो है थाइमोथोक्सम 25% WG। WG का मतलब होता है अगर पौधे के कहीं पर भी दवाई गिरेगा तो पूरे पौधे में फैल जाएगा, जिससे कीड़े के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे पौधे के मतलब कीड़े के प्रजनन शक्ति कम हो जाता है तथा कीड़े मर जाते हैं। तो इसको हम टंकी में घोल के डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टंकी ले लिया कि मेरे पास छोटा स्प्रे नहीं है, इसलिए मैं बड़ा वाला ले लिया हूँ। ये जो आता है एक टंकी का रहता है 16 लीटर का, तो इसमें हमें तो उतना चाहिए नहीं होगा, 4-5 लीटर चाहिए होगा। इसमें क्या आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक घुलनशील है, ये दानेदार फॉर्म में है तो क्या हुआ, ये घुल जाता है। तो इसको काट लिया हूँ, अब इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा ना पहले घोल के डालेंगे, नहीं तो नीचे जाएगा तो घोलने में लेट होगा। हमें कम चाहिए इसलिए हम आधा डाल रहे हैं, ज़्यादा डाल नहीं रहे इसमें, बस इतना ही डालेंगे। इसमें पहले पानी डाल देते हैं, देखिए तुरंत घुल ही गया है, ये घुलनशील है। इसमें पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए होगा पानी, नहीं काफ़ी है। देख लेता हूँ घुला है क्या। और कभी भी स्प्रे यूज़ करने से पहले उसे यूरिया या नमक से धो लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कई सारे दवाई वगैरह डालते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो आ सकते हैं। इसको अच्छे से लगा लेता हूँ, इसको चालू करना है। देखिए नारियल के पौधे कैसे पत्ती के नीचे डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके नीचे जो है छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो अपना नीचे बसेरा बना लेता है, इसलिए नीचे अच्छे से डालना जरूरी है। और ये जो दवाई आता है ज्यादा महंगा भी नहीं है, ये 15 रुपए का पैकेट रहता है। ये पूरे पौधे में अच्छे से मार देना है, पौधे पे कहीं पर भी कीड़ा नहीं आए। देखिए जैसे कि ऐसे रेशे के अंदर भी कीड़े रहते हैं, तो इसको ऐसे रेशे के अंदर भी मारेंगे तो इसके अंदर भी कोई कीड़ा नहीं रहेगा, पूरा मर जाएगा। जो नया पत्ती है उसे अच्छे से मारना है, क्योंकि अगर नया पत्ती अगर कहीं से कीड़ा वगैरह खा जाएगा तो बड़ा होने के बाद भी वो नहीं बढ़ेगा, कीड़ा रह ही जाएगा। इसके लिए इसमें पूरा अच्छे से मार देता हूँ, अच्छे से पौधे को भिगा देना है दवाई के पानी से। तो पौधे में दवाई डाल दिया है, इस तरह से अगर आप ये दवाई डालेंगे तो पौधे में कोई भी ना ही कोई कीड़े मकोड़ा आएगा, ना ही पौधे में कोई दूसरे तरह का रोग देखने को मिलेगा। जैसे हरे पत्ते में पत्ती सूख जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप पौधे में दवाई डालेंगे तो आपका पौधा हमेशा निरोग रहेगा। और एक जरूरी बात था,
कि अगर आप मेरे पास कमेंट से आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से बता सकते हैं, मैं उस विषय में वीडियो बना दूंगा। क्या है, अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका अगर आपको कोई काम जरूरत नहीं है तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। आपके पौधे में क्या प्रॉब्लम है हमें जानकारी दीजिए कमेंट में, हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।